हो, गुड़ के बाप कुल हो तुम हो। मेरे भाई को बिगाड़ने वाला और कोई नहीं, सिर्फ तू है। तुम्हारे भाग बिगाड़ने वाले हम हैं। हाँ तू है। हमारे भाई का तुम्हारे भाग हम नहीं बिगाड़े। फिर कौन बिगाड़े? तुम्हारे भाई हमका खुदा ही बिगाड़े। मतलब मेरा भाई तुम्हें बिगाड़ रखा है? जौने दिन से तुम घर के नौकरी छोड़े, वही दिन से तुम जौने घर दिन से घर छोड़े हो ना, वही दिन से तुम्हारे घर के हम नौकरी छोड़ दिए। इतना मुझे चाहते थे? तुमको बहुत मजा आई थी। जानता हूँ जितना तुम मुझे चाहते हो। जैसे चिकवा बकरी को मानता है ना, उसी तरह तुम मुझे मानते हो। बहुत ज्यादा मान। हाँ, तुम्हारे घर के हम नौकरी छोड़ दी थी तो हम नरेगा में जाए थे। मतलब हमारे घर का काम बंद करके नरेगा में जाना शुरू कर दिया है। हाँ, ऐसे घर में नौकरी न कर जौने घर में हमारा भैया न। अच्छा, आज हम नरेगा में जाते हैं। तो फिर यहाँ पर कैसे आ गए? अरे यार, यही अजीजाबाद पर हम चापियत हमका भेटा। अच्छा, हमसे कहीं कहाँ जाओ तो हम कहा नरेगा, हम कहीं के तपय, हम कहा 225, कहीं हमारे साथ चलो तुमको 450 दे। अच्छा, हम कहा करेगा कहा कहीं छीन रही, हमका पैसा मिली मजा। 450 के चक्कर में किसी की बहन बेटी की इज्जत को बर्बाद करके रख दो, हम तुम्हें 900 रुपए देंगे। कोई के घर गिरावेगा? घर नहीं गिराना है, इसी गांव के अंदर कहीं कुआं होगी, तमाम है, उसी कुएं में सिर्फ तुम्हें कूदना है। पहले बताओ पानी है कि नहीं? पानी है। तो झूठ बताओ यार, तुमका खलत का है, हमें समझ नहीं। दिक्कत ये है जो कि किसी की बहन बेटी के संग में तुम इन लोगों हरकत कर रहे हो। तुमका या बहन बेटी है जना? और क्या है? अरे यार, ये हमार मेहरारू आ। क्या चौपे रहो, लपड़ लपड़ ना करो, जब जेदू पतला रहा मेहरारू जरूरत नहीं है, ज्यादा जफो जफो ना करो। हमार इनके बिहार ननहैया भा है, ये इतनी बड़ी रही, इतने बड़े। हाँ, तुम जैसे भी हो रहे थे। इनके अम्मा इनका झउआ में लेके घूमी, हमारे पप्पा हमका सूपे में लेके घूमा। अच्छा, वही झउआ माँ से आँखी माइल, हम सूपे मूछ मार। इनको इतना याद था कि ये झउआ से आँख मार दी तो इनके पेशाब छूट गई है। क्या है? हराम जादे। तुम यार फामे मेहरारू आ भाई, तुम्हारी औरत है। चलो ठीक है, मानता हूँ तुम्हारी औरत है। माने परवे के नहीं कहो, आधार नहीं, आधार कार्ड अपनी जेब में रखो। मानता हूँ कि तुम्हारी औरत है, लेकिन हमारा भाई तुम्हारी औरत के संग में इसी जगह पर बदतमीजी कर रहा था और तुम खड़े होकर देख रहे थे। बदतमीजी कर रहा था, नस बना हुआ रहा। ओए ओए, मेरा भाई नस कब से बिठाने लगा है? जब से तुम घर छोड़े हो। ये भी धंधा शुरू कर दिया? कोई धंधा बचेगा उससे? अबे आजो, अजीजाबाद में नस बना होता है। तुमको पता ना हो, अजीजाबाद जाना था ना उसे। चलो ठीक है, मानता हूँ कि ये हमारा भाई तुम्हारी औरत का नस बिठा रहा था, लेकिन अपने औरत के पिताजी मतलब अपने ससुर जी का नाम बतलाइए कि क्या था। अरे यार, को अपने ससुर के नाम न जाने का आया। हाँ, तो बतलाइए ना। अरे यार, वही शुक्रनामा भी चले गए तो भाग कर क्यों जा रहे हो यार? अरे नाम ही तो बतलाया था। अरे लेते जाओ, थाने जाने की क्या बात है। क्या मतलब? हमारे नाम आप FIR दर्ज करवाओगे? और ये भी सोच लो कि आजकल औरतों का जमाना है, हर जगह पर औरतों की सुनवाई ज्यादा होती है। और सुनिए, इस वक्त तुम्हारी वाइफ हमारी तरफ है। जेल में चक्की हम नहीं, जेल की चक्की तुम पीसोगे। अच्छा, दरोगा तुम्हारा साढ़ू है तो क्या कानून चाट जाएंगे? अरे तो लेते जाओ ना, मैं कह तो रहा। पकड़ के ला जल भौसिया मछली, मछली के मूली है ना, पकड़ के मर जा जाए हुए। वहां जाओगे ना?
अरे ठीक है चलो रगड़ दे इधर के तो मसाला पीस डूबे। आपका एहसान में कभी नहीं भूलूंगी, अगर आप ऐसे समय पर नहीं जाते ना जाने क्या हो जाता। शुक्रिया अदा कर देवी जी। इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो हर एक इंसान का फर्ज होता है कि अगर कोई किसी कष्ट में हो तो उसको कष्ट से निवारण करना चाहिए, और मैंने भी सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है। देखिए हाँ, हमारे भाई ने जो आपके संग में बदतमीजी किया है, हम उसके गलती की आपसे क्षमा चाहते हैं। क्या ये तुम्हारा बड़ा भाई था? जी हाँ। इतना बदतमीज इंसान, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं, क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? आपने मेरी इज्जत बचाई है, हाथ मत जोड़िए। मैंने उनकी गलतियों को क्षमा कर दिया, लेकिन आप अचानक यहाँ पर कैसे आ गए? हाँ देवी जी, आप यही सोच रही हैं कि हम इस बियाबान जंगल में कैसे आ गए। कैसे आ गए देवी जी? आज एक हफ्ते हो गए हमारी अंधी दादी और बूढ़े दादाजी घर छोड़कर न जाने कहाँ चले गए हैं। बस हम उन्हीं की तलाश करते हुए इस बियाबान जंगल से गुजर रहे थे, आवाज़ सुनने पर यहाँ पर आ गया। अच्छा देवी जी, अब हम जाना चाहते हैं। ठहरिए, आप ये क्या कह रहे हैं कि अंधी दादी और बूढ़े दादाजी घर छोड़कर चले गए हैं? लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि आज कुछ दिन में हमारी हवेली पर भी एक अंधी दादी और एक बूढ़े दादाजी हाथ में कटोरा लिए भीख मांगते हुए आए थे। पिताजी ने उन्हें अपना माता पिता समझकर हम अपनी हवेली पर ठहराया है। आप मेरे साथ चलिए मेरी हवेली पर, देख लीजिए, हो सकता है कि आपके दादा और दादी ही ना हो। चलिए देवी जी आइए।